वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आपने गुरु गोविंद सिंह जी का वो मोटिवेशन कोर्स सुना होगा, चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, गिदड़ा नू में शेर बनावा, सवा लख नाल एक लड़ावा ता गुरु गोविंद सिंह जी ना कमावा। इसमें आपने एक बार नोटिस की होगी कि सवा लख नाल एक लड़ावा, इसका मतलब क्या है? कौन थे वो सवा लख जिसके साथ गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला था कि मेरा शिष्य वो होगा जो सवा लख नाल एक लड़े? तो वो सवा लख कौन थे मेरे सिख भाइयों, आप बता सकते हो? अगर आप बता सकते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि वो सवा लख कौन थे। अगर नहीं बता सकते तो मेरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको पता चल जाएगा। और अगर आप नहीं बता सकते तो आप एक सिख कहलाने के लायक नहीं है। बाकी अगर हिंदू धर्म के बाद अगर मैं किसी चीज को मानता हूं, उतनी ही रिस्पेक्ट करता हूं, तो वो है मेरा सिख धर्म, मेरे सिख भाइयों का सिख धर्म। और दोस्तों, आपको एक बात बता दूं कि सिखों के जितने भी गुरु हैं, सब के सब को किसने मारा और सब के सब किस लिए मरे, किस धर्म की रक्षा के लिए मरे? हिंदू धर्म की रक्षा के लिए मरे। सभी हिंदू थे, उसके बाद उन्होंने एक नया धर्म ईजाद किया, नया धर्म बनाया गुरु नानक देव जी ने, मजलूमों की रक्षा के लिए। और गुरु नानक देव जी से गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी के सभी को एक विशेष समुदाय ने मारा। और वो अभी आपने देखा होगा, आपको पता होगा कि गुरु करतारपुर साहिब के ऊपर पत्थर मारे गए एक ऐसे इंसान के द्वारा जिसने एक हमारी सिख बहन को अगवा किया था, उसके चक्कर में उसको 3-4 महीने की जेल हुई थी, मामूली सी। अगर ऐसा कांड इंडिया में होता ना तो UNO तक बात पहुंचा देनी थी इन लोगों ने, बट वो 3-4 महीने में छूट गया। और छूटने के बाद ही उसने क्या किया, 1000 से 2000 लोग इकट्ठे किए और गुरु नानक के महल के ऊपर पथराव किया और बोला कि हम इसका नाम गुलाम मुस्तफा रख देंगे। आपको पता होगा कि गुलाम मुस्तफा कौन थे, उस बड़वे के बारे में इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, आप सर्च कर लीजिएगा। और आपको पता है कि गुरु नानक के महल के ऊपर पत्थर क्यों मारे गए? गुरु नानक देव जी वो थे जिन्होंने काबा को हिला दिया था। मेरे भाइयों, अगर आप नहीं जानते तो एक बार YouTube पर सर्च करें, Google पर सर्च करें कि काबा को किसने हिलाया था। एक बहुत पुरानी कहावत है, गुरु नानक देव जी के दो चेले थे, एक हिंदू और एक मुस्लिम। मुसलमान ने गुरु नानक जी से प्रार्थना की कि मैं हज जाना चाहता हूँ। गुरु नानक देव जी उनको लेके गए हज, और जब वो वहां पे विश्राम कर रहे थे, उनके पैर काबा की ओर थे। और जब वहां पे कोई मुल्ला मौलवी आया, उसने देखा कि एक सिख के पैर जो है वो हमारे काबा की ओर है, तो उन्होंने उसके पैर को हटाने की कोशिश की, बट नहीं हटे। उन्होंने गुरु नानक देव जी से आग्रह किया कि आप अपने पैर प्लीज हटा लीजिए, क्योंकि आपके पैर हमारे पवित्र काबा की तरफ है। गुरु नानक जी ने बोला उनको कि मैं थका हुआ हूं, मैं नहीं उठा सकता। तो उन्होंने उसके पैर को जबरदस्ती जैसे ही लाया, जिस तरफ को उनके पैर गए उसी तरफ को काबा गया। ये बहुत बहुत एक आपके अंदर जोश भर सकती है कि हम उस सिख कौम के वंशज है, जो मेरे सिख भाई हैं, हम उस सिख कौम को मारने वाले हिंदू हैं जिन्होंने काबा तक को हिला दिया था। तो उसी चीज का बदला आज ये ले रहे हैं। केसरी आपने मूवी देखी होगी, रियल मूवी है। 21 सिख और 10,000 अफगानी, वो कौन से थे? सवा लख नाल एक लड़ाऊं, 10,000 अफगानी कौन थे? विशेष समुदाय से। और उनकी आपको पता है, सीने निकाल दिए थे उनके, हमारे सिख भाइयों ने, जब तक हमारे 21 सिख भाई और उसमें से एक 14 से 15 साल का बच्चा था, तब हमें पता चलता है कि हमारे सिख कौम ऐसी है। और आज कुछ एक लोग जो है वो खालिस्तान के समर्थन पे, कुछ एक लोग जो है, कुछ एक सिख जो सिख धर्म को बदनाम कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर खालिस्तान को बनाना चाहते हैं, अपने गुरुओं को भूल के। अगर अपने गुरुओं को ही भूल जाओगे, अगर मान लो मैं हिंदू हूं, मैं अपने भोलेनाथ को ही भूल जाऊंगा, अगर कोई मेरा मुसलमान वीडियो देख रहा है, अगर वो अल्लाह को ही भूल जाएगा, नबी पैगंबर को ही भूल जाएगा, तो वो मुसलमान क्या करेगा, मैं हिंदू क्या कर रहा। वैसे ही वो सिख है जो अपने 10 गुरुओं को भूल चुके हैं और अपना ही एक अलग एजेंडा लेके चले हुए हैं खालिस्तान का। बट ये देखिए दोस्तों, क्या मिला उनको इसके सबब में। इमरान खान UNO में जाता है, वहां पे बोलता है कि हम जो है वो धर्म निरपेक्ष है, सभी धर्म की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। यूरोप में हमारी कुरान को जलाया जाता है, रसूल की बेरुतबी होती है, तो वहां पे कानून बनना चाहिए। हालांकि वहां पे इस्लामी कानून नहीं है, बट वो वहां की टेंशन लेता है, अपने पाकिस्तान की टेंशन नहीं लेता कि वहां पे क्या हो रहा है। सिख इनके लिए हर जगह स्टैंड लेते हैं। अभी CAA का जो प्रोटेस्ट हो रहा था, सिखों ने जहां पे भी अन्याय हो रहा था, जहां पे भी कुछ गलत हो रहा, सिखों ने इनकी रक्षा की। कश्मीर में सिखों ने कितनी मुसलमान लड़कियों को उनके घर पहुंचाया, और सिख ही है कश्मीर में, इतनी ज्यादा तादाद में सिख फौजी है जो कि कश्मीर की रक्षा कर रहे हैं, वो जो है ना सवा लख से एक लड़ाऊं उनसे।
तो मेरे जितने भी भाई, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई देख रहे हैं, खासकर जो सिख भाई देख रहे हैं, आप लोग इनके बहकावे में ना आए भाइयों। लग गया पता कि आपका भाईचारा कहां पे स्टैंड करता है? आप सिर्फ भाई हो, समझ रहे हो? आप सिर्फ भाई हो और उनके चारे हो। आप उनको भाई बनाओ और वो आपको चारा बनाएंगे। ये बात हम समझ चुके हैं, आई होप आप भी समझेंगे। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी। और हाँ, एक और टॉपिक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जिस बंदे ने वो पथराव किया था, जिस बंदे ने बोला था कि हम गुरु नानक के महल का नाम बदल के गुलाम मुस्तफा रख देंगे, अब वो एक दिन के अंदर उसने सॉरी फील कर ली और बोलता है मेरे से गलती होगी, अल्लाह पाक ने मेरे को ये दे दिया। एक दिन के अंदर आप सोच सकते हो कि क्या हुआ, क्या हुआ? क्योंकि सिख भाइयों ने इनकी ईंट से ईंट बजा दी, तो इमरान खान और पाकिस्तान की फटके हाथ में आ गई। उनको लगा कि अब हम कैसे जिए, अब हम क्या करें। नहीं तो जो इंसान एक दिन बोले कि हम नाम बदल देंगे करतारपुर साहिब का और दूसरे दिन वो माफिया मांग रहा है, क्या ऐसा मुमकिन है? तो इनकी ये वो सूर है, ये वो दगड़दल है, ये दो मुंहे नाग है जिन पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता मेरे भाइयों। ये छोटा सा मैसेज है, आपको पहुंचाना है, उन सभी गद्दारों तक पहुंचाना, चाहे वो हिंदुस्तान के हो, चाहे किसी भी कंट्री हो, सब गद्दारों तक पहुंचाना आपका काम है। और अपने सिख भाइयों का हमेशा सपोर्ट करें, हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे हिंदू भाई सपोर्ट कर रहे हैं, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सभी सपोर्ट करें। अगर मुसलमान सपोर्ट नहीं करेंगे, अभी भी नहीं कर रहे हैं, वो उनकी पोल खुल रही है। कितने सिख भाई की वीडियो आ चुकी है कि हम इनका साथ देते हैं और ये आज अपनी बारी, इनकी मेंटेलिटी क्या है, इनकी मानसिकता क्या है, वो हमें नजर आ रही है। तो धीरे धीरे इनका सच सबके सामने आ रहा है। दोस्तों इस वीडियो को पहुंचाना हर एक गद्दार, हर एक उस कटुए के पास। जय हिंद। और लास्ट में बोलना चाहता हूं, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।